गुलबर्गा शहर में पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच आगरगढ़ रोड पर पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज कर एनुअल रिपोर्ट पेश की गई है। इस मीटिंग में तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मौजूद थे और स्कूल फाउंडर एंड चेयरमैन जनाब गौसपीर सर ने पेरेंट्स के सामने एनुअल रिपोर्ट पेश कर कहा, पिछले दो साल कोविड पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स में तालीम की कमी महसूस की जा रही थी। टीचर्स की मेहनत और पेरेंट्स के कोऑपरेशन और स्टूडेंट्स की लगन के साथ दो साल के गैप को फुलफिल कर लिया गया है। पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दी जा रही है। जनाब गौसपीर सर ने एनुअल रिपोर्ट पेश कर कहा, गुलबर्गा शहर में यह पहला स्कूल है जहां एक ही छत के नीचे एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक, कुरान हिफ्ज और एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज़, कुल चार तालीम इस स्कूल के स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं। पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के गुलबर्गा शहर में दो ब्रांच हैं, एक खागरगा रोड और दूसरा ब्रांच मिसबानगर एमएस के मिल में मौजूद हैं। प्लेग्राउंड और स्कूल बिल्डिंग रेनोवेशन पर भी काफ़ी काम किया गया है। अपने बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम देना चाहते हैं तो गुलबर्गा शहर में पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मौजूद हैं। साल 2023 एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें या फिर आप हागरगढ़ रोड अमरनगर और एम एस के मिल मिसबानगर स्कूल ब्रांच को विजिट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। प्लेग्राउंड और बच्चों का क्लासेस वगैरह रिन्यू कराए हम, जो जो भी एजुकेशन के लिहाज से जरूरत हम सोचे करें, और पूरा कैंपस क्या है, हम आर्टिस्ट को बुलाए, हम एक हफ्ते के बाद आर्टिस्ट आ रहे, पूरा कलरफुल इसको आर्ट वर्क करने वाले हैं, पूरा ड्राइंग आर्ट वगैरह और एजुकेशनल रिलेटेड ड्राइंग वर्क रहेगा। तो अभी बिजी है उन्होंने, एक हफ्ते के बाद क्या है आएंगे, वो मॉडर्न आर्टिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट के लिहाज से कर रहे हैं हम। ये कुरान वो किताब है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं फ़ायदा हमको मिलता है। हम अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ ले, कयामत के दिन रब्बे जुल जलाल माँ बाप के सर पे ताज रखेगा। कितनी बड़ी अजमत है इस कुरान की कि बच्चों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उसका फ़ायदा कयामत के दिन हमें दे रहा है। अगर ये कुरान बच्चा पढ़ लिया, अमल करने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानो इन कता अमल हो, जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसकी नेकियों का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब वो अमल नहीं कर सकता, और जो दुनिया के अंदर अमल किया है उसका सवाब अब यहाँ से बंद हो जाएगा, अब वो आगे सवाब नहीं मिलने वाला। लेकिन तीन अमल ऐसे हैं इंसान मरने के बाद भी हासिल कर सकता है, और उन तीन अमलों में से एक अमल नेक औलाद है, वो औलाद है जिसको हमने कुरान पढ़ा दिया, वो औलाद है जिसको हमने कुरान सिखा दिया, मरने के बाद भी इस औलाद के इस अमल का सवाब हमें मिलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है, अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के तहत यहाँ पर सबको जमा होने की तौफीक दी। दरअसल आज की जो मजलिस है, जो हम यहाँ पर आए हैं, कुरान मजीद की जो इख्तिताम है हमारे स्कूल का, तकरीबन जो है 28 तालिबात और 28 तलबा जो है नाज़िरे को तकमील किए। मैं ख़ास तौर से जो है वालिदैन को और बच्चों को मुबारक देता हूँ कि हम लोग बच्चों को ताकीद भी करते हैं कि घरों में जाके कुरान मजीद को पढ़ें, ऐसा ना हो कि जो है सिर्फ स्कूल में आ रहे हैं कुरान मजीद स्कूल में ही खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बार बार हम बच्चों को ताकीद करते हैं असरी तालीम के ताल्लुक से भी और दीनी तालीम के ताल्लुक से भी कि वो घरों में जाके जो है ख़ास तौर से जो है अरबी तालीम को भी जो है तवज्जो दें जैसे असरी तालीम को तवज्जो देते हैं। और इस तरीके से जो है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस के अंदर ये फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखलाए। इसमें दोनों की फजीलत है, सीखने वाले की भी और सिखाने वाले की भी। और इस हदीस से बात मालूम होती है, क़ियामत तक के आने वाले लोगों में सबसे बेहतरीन लोग जिनकी तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो कुरान पढ़ने वालों के ताल्लुक से हैं और पढ़ाने वालों के ताल्लुक से हैं, सबसे बेहतरीन लोग हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक वालिदैन अपने औलाद के ऊपर तवज्जो नहीं देते उस वक्त तक जो है बच्चे तालीम के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। तालीम के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत वालिदैन है।
अगर वालिदैन अपने बच्चों को सही तवज्जो दें और उनकी तालीम के ऊपर जहाँ कमी है वहाँ पकड़ करें तो वो बच्चे जो है आगे चलकर बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। अब चाहे बच्चे अगर ज़्यादा ज़हीन हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन वालिदैन की तवज्जो अगर बच्चों पर नहीं रही वो धीरे धीरे बच्चे जो है कमज़ोर हो जाते हैं और खेल कूद में, मोबाइल टीवी में हमेशा उसके अंदर रह कर बच्चे जो है अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं। बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा माँ का किरदार है। माँ अगर बच्चों पर तवज्जो दे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगर माँ अगर अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो ना दिए तो बच्चे आगे चलकर तरक्की की मंजिलों को नहीं पार कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी हैव हैड वेरी गुड मीटिंग। इन द मीटिंग वी हैव प्रेजेंटेड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्रेस टू ऑल द पेरेंट्स, हाउ वी हैव बीन, वी हैव डन, यू नो we have been doing this academic year since you know after immediately the this COVID pandemic, you know, due to COVID pandemic, as you are aware, the 2 years the students were not able to get good education. तो दो साल की जो कमी पेशी थी एडुकेशन के कोविड के वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इस साल जो अच्छा सा हम हर जो स्कूल पढ़ाई दिए तो उस मामले में ख़ास तौर से हमारे स्कूल क्या है बहुत अच्छा सा गया है। बच्चों को एडुकेशन दिए हैं हम लोग, इसमें बहुत सारी मेहनत थी टीचर्स की और पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। तो आज की मीटिंग में क्या है हम रिपोर्ट पेश करें इस साल हम क्या क्या करें। तो एक बात ये थी कि साल के शुरू में हमारे को ऐसा दिख रहा था कि बच्चों का जो एडुकेशन है उनके क्लास के हिसाब से 2 साल पीछे हो गया, तो कैसे आगे बढ़ना हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यानी बहुत मुश्किल और एक हिसाब से नामुमकिन भी दिख रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मेहनत, टीचरों की जो लगाव था बच्चों के पीछे मेहनत करने के लिए और पेरेंट्स की दुआएं, इस वजह से क्या है हम आगे बढ़ चुके हैं। ये सब अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बच्चे जो है ख़ास तौर से अरबी के इल्म से दूर हो गए थे तो कई बच्चे क्या है नूरानी कायदा ख़त्म कर कर इस साल कुरान ले लिए, कई पारे कुरान पढ़ लिए, कई बच्चे कुरान का नाजरा क्या है बहुत अच्छे सा पढ़ रहे इस साल नूरानी कायदा ख़त्म करके, उसमें 25 बच्चे क्या है मुकम्मल करे हैं और उनका हिफ्ज़ भी क्या है कई बच्चों का 3 पारे उससे कम ज़्यादा पारे हिफ्ज़ भी हो चुका है। वो बच्चों को क्या है आज उनकी हिम्मत अफजाई के लिए पेरेंट्स को सामने क्या है सर्टिफिकेट दिया गया है और बच्चों को बारे भी हम हिफ्स करने के लिए आगे जाकर अब हिफ्स भी अच्छे से करना बोलकर बच्चे भी बहुत ख्वाहिश बता रहे थे कि हम इंशाल्लाह अच्छा से अच्छा हिफ्स करेंगे सर बोल के बोल रहे थे। और उसी तरीके से फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत डाउन हो चुके थे ये कोविड की वजह से, तो उसके बाद कोविड ख़त्म होने के बाद बच्चों को कुछ एक्टिविटी करना बोले तो फिज़िकली उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बॉडी पेंस वगैरह भी मसले आ रहे थे, तो उनको अच्छे से उबार कर अच्छे से एक्टिविटीज़ क्या है मार्शल आर्ट स्क्रैच से लेके गए और अच्छे से प्रैक्टिस कराए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 75 स्टूडेंट्स क्या है बेल्ट ग्रेडिंग हुआ है, बेल्ट टेस्ट में क्या है आगे बढ़ चुके हैं, कई बच्चे ग्रीन येलो और कई बेल्ट ले चुके हैं। तो और ये बच्चे क्या है इनको उबारने के लिए दरमियान में हम गुलबर्गा में सबसे बड़ा जो एक्शन डो जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर भी भेजे थे, तो गुलबर्गा के कई स्कूलों अटेंड करे, उसमें क्या है ये आगरका रोड पे पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जो हमारी है अमर नगर में, ये स्कूल के बच्चे हमारे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लाए हैं। तो ये सब अल्लाह का एहसान है समझो बच्चों के ऊपर। तो इस लिहाज से क्या है बच्चों को 75 स्टूडेंट जो ग्रेडिंग करे उनको सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट किया गया आज। और इस साल हम जो मेहनत कर चुके हैं 10th क्लास स्टूडेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा क्लासेस, लेट आवर्स वर्किंग, संडे वर्किंग और डेली टेस्ट लिए, हर चैप्टर का एक एक टेस्ट करके तकरीबन करीब करीब 200 एग्ज़ाम्स लिए हैं बच्चों को हम सिलेबस अक्टूबर में ख़त्म करके 10th का, तो ये भी हम पेश करे हैं आज पेरेंट्स के सामने। बच्चों की हैंडराइटिंग की जिम्मेदारी जो है टीचर्स लैंग्वेज टीचर्स लेकर के आए, उस पर मेहनत करते हैं, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा हैंडराइटिंग भी थी हमारे को, लेकिन उससे हम सेटिस्फाई नहीं हुए।
कोई पेरेंट्स को हम क्या है हमारे को आगे बढ़कर कुछ कंप्लेंट भी नहीं दिए हैंड राइटिंग पर, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं हुए और भी अच्छा से अच्छा हम हैंड राइटिंग से करना बोलकर जो कैलीग्राफर स्पेशलिस्ट को हम आंध्रा से बुलाकर तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन क्या है हम उनसे अच्छा सा हैंड राइटिंग हम सिखाए, जिसके वजह से बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत बोले तो बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका ये भी हम बात पेश रखे पेरेंट्स के सामने, और जो रिनोवेशन हुआ है स्कूल का पेंटिंग और जो बच्चों का जो प्लेग्राउंड जो है कंप्यूटर क्लासेस का और हर जो चीज़ हम अपग्रेड करे हैं और अच्छा सा अट्रैक्टिव कैंपस बनाए है, ये भी पेरेंट्स के सामने रखे, हम पेरेंट्स भी देखे बहुत खुश हुए और बच्चे भी क्या है ये प्लेग्राउंड वगैरह से बहुत खुश है और दे आर एंजॉइंग देयर स्कूल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरीके से इस साल हम एक अच्छी चीज़ लागू करे थे कि हर सैटरडे महाने में हर सेकेंड सैटरडे क्या है हम कुछ प्रोग्राम रखे थे कि उनको एक्टिविटी करना है, वो एक्टिविटी चाहे क्या भी हो सकती है, तो हम अच्छे से बच्चों को स्किल्स डेवलप करने के लिहाज से एक्टिविटीज़ लाए, कभी एक्टिविटीज़ के में ऐसे कॉम्पिटिशन्स के ऊपर उबार कर ऐसे कॉम्पिटिशन लिए हैं, कभी क्विज रखे कभी डिबेट रखे है, कभी बच्चों को क्या है स्पेलिंग के बारे में स्पेल इम्प्रूवमेंट के लिए हर जो हो सकता हर सैटरडे यानी महीने में एक दो सैटरडे हम उसको एलोकेट करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए हैं, ये भी हम पेश करे हैं पेरेंट्स के सामने। और बच्चों को क्या है अच्छा सा एडुकेशन इंटरेस्ट लाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम उभारने के लिए वक्तन फवक्तन प्राइजेस गिफ्ट्स भी देते जा रहे हैं। और बच्चों का एडुकेशन खासतौर से 10th अच्छा रिजल्ट आना है, क्योंकि 15 साल जब बच्चे बचपन से जैसी स्कूल जाने के लायक होते हैं तो 15 साल उम्र के बाद जो सर्टिफिकेट मिलती है जो पेपर मिलता है वो बहुत अहमियत देता है अपने लाइफ में बच्चों को, तो वो सर्टिफिकेट में जो मार्क्स कैरी करते हैं वो फॉरएवर क्या है हर जो रिज्यूम में करिकुलम वेटेज जो उनका रहता है वहाँ पर हर जगह लिखना पड़ता है, ये मार्क्स बहुत अहम रहते हैं इंटरव्यू के लिए या जॉब सिलेक्शन के लिए प्राइवेट गवर्नमेंट या कॉरपोरेट, तो इस लिहाज से क्या है इसमें अच्छे से मार्क्स लाने के लिए हम बच्चों को क्या है ज़्यादा वक्त लेकर जल्द से जल्द अभी सिलेबस कई बच्चों को ऑलरेडी 9th के बच्चों को ख़त्म करे है और दोबारा भी क्या है सिलेबस ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं हम, तो ज़्यादा वक्त देकर एक्स्ट्रा क्लासेस संडे क्लासेस इवनिंग क्लासेस लेकर बच्चों को अच्छा सा एडुकेशन देकर डेली एग्ज़ाम कंडक्ट कर उन पर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर अच्छा सा रिजल्ट ला रहे हम इस साल और आने वाले साल के बच्चों के लिए भी यही करने वाले हैं। और इस मौके पर ये भी बताए हम कि बिट्स कोर्स एक बना रहे हैं हम और ऑलरेडी ये कड़पा में हम लास्ट ईयर लागू कर रहे थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये बिट्स कोर्स क्या होता है, जो क्लास बच्चा अभी ख़त्म किया है और जाने वाला क्लास के लिए जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं वो सिलेबस को सामने रखकर, फॉर एग्जांपल 5th का बच्चा 6th को जा रहा है तो 6th के लिए जो भी सिलेबस है उसको सामने रखकर बच्चों को चार सब्जेक्ट क्या है अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने के लिए उसके ऊपर बेहतरीन मेहनत किया जाएगा। या ऑफ डे कोर्स है, 4 सब्जेक्ट सेलेक्टिव रहते, आप जो भी इलेक्टिव रहते जो भी आप सेलेक्ट करना है कर सकते और उसमें एक दो अरबी भी ले सकते या पूरे अकेडमिक ले सकते या पूरे अरबी ले सकते आपकी मर्ज़ी। इसका फ़ीस 1000 रुपये रखे हम, ये सिर्फ बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए है और ये जो भी फीस है पेरेंट्स को जो दे रहे हैं ये टीचर्स को ही जाएंगा, तो मसला है कि बच्चों का अच्छा एडुकेशन इम्प्रूवमेंट होगा। और ये बिट्स कोर्स के लिए ये सिर्फ पी स्कूल के बच्चे नहीं, गुलबर्गा के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। इसका कोर्स डिटेल वगैरह आप इस नंबर को कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं डेट वगैरह। तो ये थे हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आज पेश करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है जो भी एडुकेशन है हमारा जो एडुकेशन है हमारे जो बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिहाज से या जो भी साइंस एग्जीबिशन रखे उसमें बेहतरीन एग्जिबिट्स पेश करे बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिए और इंग्लिश में बहुत अच्छा सा समझाए हर जो लैंग्वेज में समझाए ये सब अल्हम्दुलिल्लाह जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और बच्चों में क्या है सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए
और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो भी सिखा रहे हम बेहतरीन तरीके से क्या है इस साल बच्चों को आगे लेके गए। सिर्फ और सिर्फ ये वाही स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर आपके बच्चों को क्या है एक छत के नीचे क्या है कुरान नाजिरा हिफ्स और अरबिक आलिम कोर्स कराटे और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स ऐसे राइटिंग डिबेट वगैरह के साथ साथ बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश मीडियम अकाडमिक एडुकेशन मिल रहा है। वेरी कॉम्पिटेटिव जो बच्चे हमारे पास फारिग हो रहे बेहतरीन कॉम्पिटेटिव है दे कैन कम्पीट विथ एनी स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्कूल इन गुलबर्गा दैट्स हाउ दे आर हियर अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम।